हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज का ये जो लुक है पिंकी पिंकी सा, ये मैंने कैसे क्रिएट किया, चलें चल के देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ ह्यूज थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मुझे बहुत सारा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की वीडियो पे लाइक्स चाहिए, बहुत सारे शेयरिंग करो मेरी वीडियोस को। और जो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक करो, उन्हें सपोर्ट करो। चलो भाई अब लुक की तरफ चलते हैं, ये लुक किस तरीके से क्रिएट किया है और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आज का जो मेकअप लुक ये हुआ हुआ है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं कौन कौन से मेकअप कि प्रोडक्ट्स हमने इस लुक को यूज़ किए क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर द अफोर्डेबल सा मेकअप लुक मैंने अपना फेस बिल्कुल क्लेंस किया हुआ है अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज करूँगी विद द हेल्प ऑफ फिजियो जेल इज अ गुड मॉइस्चराइजर। इसका रिव्यू मैं पहले ही अपने चैनल पर दे चुकी हूँ बहुत दफ़ा। ये बिल्कुल इतनी सी क्वान्टिटी में मुझे लगता है और लिटरली इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मॉइस्चराइज़र है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है ना तो या तो सिरावे पे इन्वेस्ट कीजिए या फिर इस मॉइस्चराइज़र पे इन्वेस्ट कीजिए। सिरावे थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव साइड पे जाता है और ये वाला जो है वो अफोर्डेबल साइड पर, इस ऐसे इतना भी अफोर्डेबल नहीं है लेकिन सिरावे के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है। ठीक है जी। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई हैव टू अप्लाई द सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए मैं इस सनस्क्रीन पर आजकल काम कर, मतलब इसको यूज़ कर रही हूँ। जेनफार्म का सनस्क्रीन है, 100 SPF है और आपको डीप बिल्कुल जितने भी सन की रेजेज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाया कीजिए बाहर निकलने से पहले ताकि जो सन की इफेक्टेड रेजेज होती हैं उससे आपकी स्किन बच्ची रहे। आप घर पे भी हों तब भी सूरज बाहर निकला तो भी हल्का हल्का सा सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें अपनी स्किन पर ताकि आपकी स्किन इफेक्टेड ना हो सन की रेजेस से। ठीक है, ये मेकअप से पहले के स्टेप्स होते हैं जो जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस लगता है। अगर आपने अपनी स्किन को प्रेप नहीं किया होता अच्छे से तो आपका, आप कितने ही हाई एंड का मेकअप यूज़ कर लो आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं लग सकता। अगर आपने प्रेपिंग अच्छे से की है अपनी स्किन की तो मेकअप शुड बी द फ्लॉलेस और योर लुक इज सो गुड। तो आपके लुक को कंप्लीट करने के लिए, आपके लुक को फ्लॉलेस करने के लिए आपकी स्किन की प्रेपिंग की बहुत ज़रूरत होती है जो आपको करनी होती है। ठीक है जी। अच्छा, आज का जो मेकअप है वो बहुत अफोर्डेबल साइड पर है तो सारी चीज़ें मैंने ऐसी रखी हैं, ऐसी पिक की हैं कि जो अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल साइड पर जो फाउंडेशन बेहतर होती है, मतलब अच्छी है और अफोर्डेबल भी है, दैट फाउंडेशन इज़ फॉर बाय द मिस्ट्रोज। और मिस्ट्रोज की फाउंडेशन मेरी बेज 3 शेड जाता है। ठीक है, दिस इज़ द फाउंडेशन। ये भी आपको कांच की बॉटल में मिलती है और ये जो कांच की बॉटल वाली फाउंडेशन होती है ना, ये बिल्कुल भी आप ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होती, इनको आप कहीं ले जा नहीं सकते। या तो फिर आप इनको कहीं किसी ऐसी चीज़ पे रख कर लेकर जाओ जो जिसमें ये कांच टूटे नहीं, लेकिन इनकी हिफाजत आपको करनी पड़ती है। सिर्फ इसकी बॉटल की पैकिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसमें ले जाते हुए, लेकिन ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। ठीक है। अच्छा, इसका एक पंप इज़ इनफ फॉर द होल फेस। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम ज़्यादा कर लेंगे। मैंने बहुत हैवी वाला मेकअप नहीं करना है तो मुझे फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 pump इज़ क्वाइट इनफ। अगर कम पड़ता है या फिर ज़रूरत होती है तो हम बाकी देख लेंगे। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं मोस्टली फाउंडेशन को अपने ब्लेंड करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हो, जो आप फाउंडेशन ब्रश यूज़ करते हो, मगर मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू द फाउंडेशन ब्रश। फाउंडेशन ब्रश भी मेरे पास है लेकिन वो मैं इतना यूज़ नहीं करती। मोस्टली मैं रेगुलर बेसिस पर ब्यूटी ब्लेंडर की ही मदद से पूरा मेकअप करती हूँ। तो ब्लेंडिंग इसकी अच्छे से होनी चाहिए। ब्लेंडिंग करने के बाद आपको फाउंडेशन को ऑक्सीडाइजेशन का टाइम ज़रूर देना चाहिए ताकि 1-2 सेकेंड तक आपके फेस पर ऑक्सीडाइज हो जाए। वैसे ऑक्सीडाइजेशन के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी आप दे सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा टाइम, मतलब 1-2 मिनट इसको देने चाहिए फॉर द
ऑक्सीडाइजेशन, ताकि आपके फेस पर अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाए जो आपका मेकअप है वो, आप कहीं पर भी फ़ोन भी इवन लोग सुनते होते हैं ना तो उनकी स्क्रीन पर उनका मेकअप लग जाता है, तो वो इसी वजह से लगता है ताकि कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन इज द मस्ट, द फाउंडेशन की ऑक्सीडाइजेशन अगर अच्छे से नहीं होती होती तो फिर वो फ्लॉलेस नहीं लगती। ठीक है जी, अब मैं इसको ऑक्सीडाइजेशन की छोड़ती हूँ, मिलती है एक दो मिनट बाद। अच्छा जी, बेस अच्छे से ऑक्सीडाइज हो चुकी हुई है, अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। फॉर द मेकअप मैं पहले आई लुक क्रिएट करती हूँ, और फॉर द आई लुक मैंने ये रिवाज की, इसके दो वेरियंट्स आते हैं। एक वेरियंट उसमें थोड़े डार्कर शेड्स होते हैं, इसमें थोड़े लाइटर शेड्स हैं। सारे वो वाले कलर्स हैं इसमें जो आपके मोस्टली जो कपड़े होते हैं उनके साथ मैच कर रहे होते हैं समर्स में। ये देखें, ये इसका पूरा लुक है, ये पूरा इसका शेड्स है मोस्टली। इसमें सारे आपको पिंक के शेड्स भी मिलेंगे, ब्राउन के शेड्स भी मिलेंगे, थोड़े खट्टे वाले शेड्स भी मिलेंगे, और ये ग्रीन और पर्पल के शेड्स भी मिलेंगे। तो ये वाले शेड्स मुझे ऐसे लगे जो मोस्टली ड्रेसेस के साथ आपके जाते हैं। आज मैंने पिंक पहना है तो मैं ट्रांजिशन शेड पे ब्राउन लगाऊंगी, और उसके बाद फिर पिंक मेकअप हम करेंगे। इसकी शीट है जो आप इसको उतारते हो, और फिर ये वाली। ठीक है जी, अब हम इससे मेकअप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेकअप के लिए मैंने ब्रशेज़ यूज़ किए हैं ओटो कॉस्मेटिक्स के, जो मैंने दिखाए भी थे आपको जब मैंने ओटो कॉस्मेटिक्स का शॉपिंग हॉल किया था, तो उसी के मैं मेकअप ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ। दीज आर द मेकअप ब्रशेज़, ये सेट थे, ये मैंने लिया था आई मेकअप के लिए। तो इसमें से हम ब्रश लगा निकाल कर मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस ब्रश, ठीक है, मैं फ्लफी सा ब्रश लेके अब मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम ट्रांजिशन शेड बनाते हैं, और ट्रांजिशन शेड के लिए आई एम गोइंग विद दिस। ठीक है जी, इस वाले शेड की तरफ हम जाते हैं, और इसको थोड़ा सा लगाया, फालतू का प्रोडक्ट हटाया, और हल्के हल्के से हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मेकअप करना है, बहुत कोई हार्श नहीं होना मेकअप के साथ। और ये बहुत पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है, और है भी बहुत अफोर्डेबल साइड पर, अभी इनकी सेल भी चल रही है, आप चाहें तो बिल्कुल इसको बाय आप कर सकते हैं, बहुत पिगमेंटेड है ये। लेकिन अगर मेकअप पैलेट पिगमेंटेड है और आपके ब्रशेस का सेट आपके पास जो है वो अच्छा नहीं है, वो सारा प्रोडक्ट खुद ही खा जाता है, तो फिर आपके मेकअप पैलेट का पिगमेंटेड होना भी किसी काम का नहीं होता, बिकॉज फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता आपकी स्किन पर जैसे उसे करना चाहिए। तो आप दोनों चीज़ों पर काम करो, मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक अच्छे मेकअप पैलेट पर भी इन्वेस्ट करो, और फिर ब्रशेस के सेट पर भी इन्वेस्ट करो। ये देखें, दीज आई शेडोज आर हाईली पिगमेंटेड। ठीक है, अच्छा मैं दूसरे वाले का भी ट्रांजिशन शेड कंप्लीट कर लेती हूँ। ट्रांजिशन शेड आपको पूरी आंख पर नहीं लगाना होता, वो ब्लेंडिंग के लिए आपको पूरा उसमें फैलाना होता है, लेकिन आप अपर साइड पे आईबॉल से अपर साइड की तरफ उसको रखते हो और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करते हो। ब्लेंडिंग अगर आपके मेकअप की अच्छी नहीं हुई होती ना तो वो बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगता। तो मेकअप की ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप मेकअप लगा लो और सारे शेड्स अलग अलग दिखें तो वो फिर अच्छा लुक नहीं क्रिएट करता। ठीक है, और ट्रांजिशन शेड के लिए हमेशा कोई बिल्कुल लाइटर सा शेड उठाया करें अपने पैलेट में से। जैसे इस पैलेट में सबसे लाइटर शेड मुझे ये लगा, वो पिंक का शेड है, वो पिंक का शेड मैं एज अ बेस मेन शेड रखूँगी, लेकिन ट्रांजिशन शेड हमेशा बिल्कुल वो शेड होता है जो बिल्कुल ईजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत आराम से लग जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन शेड मेरी आईज पर से कम्प्लीट हो चुका है, अब फॉर द पिंक साइड मैं इसकी तरफ जाऊँगी, क्योंकि ये वाला बहुत हल्का हो जाएगा, इसकी साइड जाऊंगी, एक्स्ट्रा थोड़ा रिमूव करूंगी, और ये क्योंकि वो बहुत हल्का वाला हो जाता और लगता बिल्कुल पता नहीं चलता, इस वजह से मैंने इसकी तरफ मूव किया है ताकि लगकर थोड़ा सा पता लगे, और थोड़ा जो लुक है ना वो एनहेंस्ड लगे। दिख रहा होगा माइक भी, मैं आपको मिरर में देख के मेकअप कर रही हूँ, तो
इतना हाईली पिगमेंटेड है ये पैलेट, और ये ब्रशेस का सेट भी मैंने ओटो कॉस्मेटिक्स पे सेल जब लगी थी तब लिया था, और बहुत बहुत अच्छा है ये दोनों दोनों चीज़ें, अफोर्डेबल साइट पर भी जाती हैं और हैं भी अच्छी। ये देखिए ब्लेंडिंग आपकी अच्छी, अभी मैं सिर्फ शेड लगा रही हूँ, मैं अभी ब्लेंडिंग पर काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, अब सारी चीज़ें लग चुकी हुई हैं, अब मैं ब्लेंडिंग के लिए एक फ्लॉपी ब्रश निकालूंगी, ये ब्रश मैं रख रही हूँ, और अब मैं ब्लेंडिंग के लिए एक फ्लॉपी सा ब्रश निकालूंगी टू ब्लेंड ऑल दीज टू शेड्स। और बहुत ज़्यादा मेकअप मैं आज इसलिए नहीं करी क्योंकि समर्स का सीज़न है, समर्स के सीज़न में आप लाइट मेकअप ही रखो तो वही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ मेकअप आपके फेस पर अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये मैंने फ्लफी ब्रश निकाला, कोई इस पर शेड नहीं लगाना, इसको राउंड एंड राउंड आपको बस इस तरीके से लगाना है, घुमाना है अपने आई बॉल्स पर, आईज पर। ये देखें जो एक्स्ट्रा शेड्स होंगे ना वो इस पर खुद ही आते चले जाएंगे और आपकी जो आईज हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी। सी ठीक है जी, इसी तरीके से इस पर करना है, बिल्कुल लाइट सा मैंने मेकअप करना है, तो आपको डार्कर कलर पे बिल्कुल भी नहीं जाना होगा। इसी तरीके से आप काम करोगे, और जब भी कभी आपको ब्लेंडिंग में मसला हो, ब्लेंडिंग बिल्कुल सिंपल सादे ब्रश से होती है। अच्छा मैं ये ग्लिटर शेड के लिए ये वाला शेड यूज़ करूँगी, और इसको मैं सिर्फ हाथ की मदद से लगाऊँगी ताकि थोड़ी सा जो लुक है वो ब्रॉडर थोड़ा इनहेंस लगे, क्योंकि जो ग्लिटरी शेड्स होते हैं ना जब आप आईज बंद करते हो तो ज़रा वो अच्छे से लगते हैं, थोड़ी आपकी आईज पर शाइन आती है। मेरे ड्रेस पर यही सूट कर रहा था तो मैंने यही लगा लिया। ठीक है जी, अब और इसकी बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी होती है, इसको बस लगाना होता है। ठीक है, मेरा आईज का जो मेकअप है आई शेडो वाला वो कंप्लीट है, अब इस साइड पे रख देते हैं। अब आती है बारी ब्लश ऑन की, ब्लश ऑन के लिए भी मैंने रिवाज की है किट ली है, मैं आज पूरा तकरीबन पूरा नहीं मतलब पूरा तो नहीं, फाउंडेशन मैंने रिवाज की नहीं ली थी बिकॉज मैं फाउंडेशन ले चुकी थी उस टाइम। ये देखिए इसमें तीन शेड्स हैं जिसमें से दो हैं ग्लिटरी, ये दो ग्लिटरी हैं और ये मैट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने कोई भी ब्रश उठाना है, इन तीनों शेड के साथ इंसाफ करना है। ठीक है, इसको डस्ट ऑफ करना और लिफ्टेड अप डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना है। तो ये फिर अगेन this, this and this, dust it out and have to apply on your cheeks in upper direction, lifted up direction, ताकि आपका जो मेकअप है वो ठहरा हुआ ना लगे, ये ना लगे कि आपने बिल्कुल लगा कर शेड्स छोड़ दिए हैं। और बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं आजकल का चल रहा, बहुत आजकल आपकी आईज़ थोड़ी सी प्रोमिनेंट चल रही हैं तो आईज़ को आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट रखना, ब्लश को इतना प्रोमिनेंट नहीं रखना, ब्लश ऑन आपका लाइटर साइड पे ही होना चाहिए, डार्कर साइड पे नहीं होना चाहिए। चीक से अगर आप चीक टिंट से भी काम चलाना चाहते हैं तो यू कैन। ठीक है जी, ब्लश ऑन मैंने नहीं लगाना था, ब्लश ऑन लग चुका हुआ है, अब बारी आती है आपकी सुनी सुनी सी आंखों को थोड़ा सा ब्रॉडर लुक देने की। सो अब हम लगाते हैं थोड़ा सा लाइनर, थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा मस्कारा। तो काजल के लिए मैंने ये वाली पेंसिल यूज़ की है, मुझे नहीं पता ये कौन सी, इसमें कोई ब्रांड श्रेंड नहीं लिखा हुआ, अफोर्डेबल मेकअप था तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था ना बिल्कुल सस्ता सा वो मैंने निकाल कर लगा लिया। लेकिन सस्ते के बाद भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा भी लगे आपके फेस पर, आपकी स्किन पर। सस्ते का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो आपकी स्किन की टेक्सचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, वो आपको अच्छा सा लुक ना दे रहा हो,
Vesta doesn't mean like that. लाइनर लगाना आर्ट है. मेरा एक मिरर है वो जिसमें मैं घुस के लाइनर लगाती हूँ, तो लाइनर जो है ना वो ऐसे ही लगता है बिल्कुल मिरर में घुस के. मैं इसको बराबर करके आती हूँ. अच्छा जी, काजल मैंने लगा लिया ऑफ कैमरा, थोड़ा सा फैल भी गया है, इसको मैं भी सेट करती हूँ. ठीक है जी, इस वक्त मेकअप कंप्लीट हो गया. अब बारी आती है लिपस्टिक की. लिपस्टिक के लिए ओटो कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ मैं. ये इसकी लिपस्टिक है, ये शेड है और ये इसका नीचे ग्लॉस है, ट्विन वन है. तो ग्लॉसी लिप्स मुझे इतने नहीं पसंद है, मैं मैट लिपस्टिक की तरफ जाऊँगी. ठीक है जी, लिपस्टिक भी डन हो गई. अब ज़रा बाल सही करके आते हैं ताकि मैं इंसान की बच्ची लगूं. तो बाल बिल्कुल सही करके आते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. करीब से देख लो, आंखें बंद करके देख लो. ये ब्लश ऑन, सारे आई शेड्स, लिपस्टिक, आई शेडोज बिल्कुल प्रॉपर से ब्लेंड हुए हैं. सब चीज़ अच्छे से ब्लेंड हुई हुई है. मेकअप पैलेट बहुत अच्छा है. सो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू बाय ऑल दीज थिंग्स. मैं सारी प्रोडक्ट्स नीचे लिख दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप अच्छे से चेकआउट करना, उधर से जाके ऑर्डर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे. फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, लव यू.